उत्तर काशी के सिलक्यारा टनल में यहाँ 41 मजदूर फंसे हुए हैं। वो मजदूर जो लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता सुगम कर रहे थे, टनल बना रहे थे। लेकिन दीपावली के दिन जब पूरे देश और दुनिया में उत्सव मनाया जा रहा था, त्योहार मनाया जा रहा था, वो अपने परिवार से दूर लोगों की सेवा में रास्ता बनाने में जुटे थे। लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ, इस टनल में वो फंस गए और 16वां दिन है जब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन 16वां दिन कुछ खास होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 16वां दिन है सोमवार का दिन, कार्तिक पूर्णिमा का दिन, और ऐसे में जबकि कुछ मशीनें यहां काम कर रही थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीनें भी फेल हो गई। उन मशीनों के फेल हो जाने के बाद एक बार फिर उन श्रमिकों के ऊपर नजरें, और वो अब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाएंगे, खुदाई करेंगे। लेकिन एक चमत्कारिक दृश्य आज सोमवार के दिन देखने को मिल रहा है। टनल के बाहर ही जो अस्थाई एक मंदिर बनाया गया है, बाबा बौकनाग का ये मंदिर माना जाता है जो टनल के बाहर है। इस क्षेत्र में पहले भी ये मंदिर था, विकास कार्य हुआ तब अस्थाई रूप से एक मंदिर यहां बना दिया गया, बाबा बौकनाग का मंदिर। लेकिन आज सोमवार के दिन जिस तरह से अब जल रिसाव से, यानी पानी के रिसाव से शिव की आकृति उभर आई है, अचानक शिव की आकृति उभरने को स्थानीय लोग मान रहे हैं सोमवार के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कि ये भी भगवान शंकर का ही उपकार है। क्योंकि उन 41 मजदूरों को अब सुरक्षित निकालने के लिए जहां एक ओर अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं आस्था का भी एक रास्ता चुना जा रहा है। प्रार्थना की जा रही है, भगवान से ये उपासना की जा रही है कि सकुशल वो मजदूर बाहर आए। स्थानीय लोग भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर शिव जी की यह आकृति अगर उन्हें दिखाई दे रही है तो इसके पीछे वजह क्या है। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशपाल सिंह परमार है। अच्छा, ये जो तस्वीर अचानक टनल के बाहर दिखाई दे रही है, भीतर 41 मजदूर फंसे हुए हैं, आज सोमवार का दिन है, और ये जो इस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है पानी के रिसाव से, इसे आप क्या मानने लगे हैं? हम तो यही मान रहे हैं कि जो आगे वो मंदिर है बौकनाग जी का, वो पुराना भी मंदिर था यहाँ पे। अच्छा। और वो जो है वो तोड़ा गया है। अच्छा। और आज सोमवार के दिन जब वो टूटा गया था मंदिर। अच्छा, तो हमारे 41 लोग जो है वो अंदर फंसे हुए थे। 41 लोग मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन आज जो ये जो दिख रहा है पानी का रिसाव है, वो आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है? वो आज सोमवार का दिन है, शुभ दिन है और पर्व का दिन है। ये हमारे साक्षात भोलेनाथ है, भोलेनाथ की आशीर्वाद से आज हमारे जो 41 लोग अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। हम उसको जश्न देख रहे हैं कि कब है भोलेनाथ, आप प्रकट हो गए हैं और आपकी हम जयकार करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। बोलो भोलेनाथ की जय। ये लोगों की अपनी आस्था है और ये भारत की अपनी परंपरा रही है कि आपदा के वक्त आस्था भी एक बड़ा संबल का काम करती है। हालांकि काम उन तकनीशियंस को करना है, उन विशेषज्ञों को करना है जो सुचारू रूप से रास्ता आगे बनाएंगे, सुरक्षित उन मजदूरों को निकालेंगे, लेकिन अगर यहां पर कोई अस्थाई मंदिर बना दिया गया है उसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और ना सिर्फ ये स्थानीय लोग बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन पर जो नजदीक से नजर बनाए हुए हैं, अगर वो टनल के भीतर भी दाखिल होते हैं तो सबसे पहले वहां माथा टेकते हैं, और बताया जा रहा है कि बाबा बौकनाग का ये मंदिर है और इनके आशीर्वाद से आज जब ये इस तरह की आकृति उभरी है पानी से, तो ये इसे बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक मानने लगे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से संभवतः सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन पूरा होगा। ये लोगों की अपनी आस्था है और आस्था के जरिए भी अब इस पूरे मिशन को एक बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी युगल ठाकुर के साथ मैं प्रशांत चौरहे, न्यूज 18 इंडिया, उत्तरकाशी।